नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा, आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नजर। देवउठनी ग्यारस पर गन्ने समेत पूजन की सामग्री का विक्रय, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने लगी कतारें। धान की बंपर आवक होने से कर रहे भाव कम, लंच के बाद गिराते हैं भाव। बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने की जांच, वासदा मदरसे की जांच। शराब दुकान से नकदी समेत शराब चोरी, अस्पताल रोड की दुकान पर घटना। नामदेव जयंती पर धर्मशाला में हुई आरती, मनाई भगवान नामदेव महाराज की जयंती। समाचार विस्तार से। श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। पूजन अर्चना और दर्शन करने बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थीं। मेरा नाम दीपा गुर्जर है, मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी जनता आई है क्योंकि आज बाबा का जन्मदिन है, बहुत पर्व से इसको मनाया जाता है और बहुत दूर दूर से यहाँ जनता आई है। रात्रि में यहाँ भजन उत्सव भी होगा जिसमें बहुत आनंद आने वाला है और यहाँ बहुत सुंदर तरीके से भगवान को सजाया गया है। संजय अग्रवाल मेरा नाम है और ये खाटू श्याम मंदिर विदिशा वैशाली नगर में स्थित है। विगत 4 वर्षों से बाबा इस मंदिर में विराजमान हैं और आज बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त लोग बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज बाबा का लोक श्रृंगार किया गया है, कलकत्ता से फूलों को मंगाया गया है और बाबा को 56 भोग लगेगा। बाबा का श्रृंगार भव्य हुआ है। फिर रात्रि में 7:30 बजे से मधुर भजन होंगे जिसमें बाहर से आए हुए कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे और आज मैं समझता हूँ विदिशा की पूरी जनता मंडी में धान की आवक बंपर होने के बाद भाव कम किए जाते हैं जिससे किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना था कि लंच के बाद अचानक भाव कम कर धान औने पौने दामों में खरीदी जा रही है जिससे किसानों को घाटा हो रहा है।
आप चाहो तो हमारे साथ आप चाहो तो बनाओ आप चाहो तो मत ये बात तो सोचो तो मार तो हटाओ हटाओ मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने गंजवासदा मदरसे पहुंचकर जांच की है। धर्मांतरण के मामले को लेकर आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी, जिसकी जांच भी आयोग के सदस्यों द्वारा की गई। इससे पहले तो हमने पहले इन दोनों को तो मैं खुद पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है 10th पास है। इनका नाम भी है ना मैम, 2016-17 में ये बच्चे 6th में रजिस्टर नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हमको कोई गेम नहीं, हमारे पास 6th क्लास दिया है तो हम 6 ही मानेंगे। आपके रेड है उसकी गार्जियन आप, इसका यदि जो भी बच्चे आपके यहाँ हैं उनकी सभी के गार्जियन आप, जैसे आप ये बच्चे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं ठीक है ना, तो माता पिता के थर्ड गार्जियन आप, यदि वहाँ से भी कोई बच्चा आया तो उसके गार्जियन का नाम फॉर्म नहीं है। 2015 में ही बताया गया है कि बच्चे यहाँ पर असल में होम्स के बच्चे हैं। अच्छा, होम्स मतलब अगर आप नाम बताएंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे, जैसे कि ओमकार सिंह जी ने बताया कि वो बच्चे ऑर्फन थे, तो पहला तो ये है कि जब से जेजे एक्ट आया है तो ऑर्फन बच्चों को सबसे पहला काम होता है लीगल फ्री करना जी। और अगर इनको लीगल फ्री नहीं किया गया तो क्यों लीगल फ्री नहीं किया गया जी। 2018 का लेटर है बाल कल्याण समिति का कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा गया, पर बच्चे तो उससे पहले ही यहाँ आ गए थे जी। तो क्या उससे पहले इजाज़त ली गई थी क्या, और उससे पहले भी ये संस्था में बच्चे रह कैसे सकते हैं? अगर आप जेजे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे तो आप ऑर्फन बच्चों को रख ही नहीं सकते।
और अगर यहाँ पर रखा था तो किसकी परमिशन से रखा, कौन उनका गार्जियन था, और गार्जियन था तो क्या उसकी नॉलेज में था क्या? तो ये तो पूरी जांच का ही विषय है। और फिर ये वापस से बच्ची अगर वापस जाती है तो उनके जो नाम बदल दिए गए हैं, जिससे कि हम लोगों को उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो अभी हमको यहाँ पे आके पता पड़ा कि अभी यहाँ पे रिया गौड़ के नाम से ही एडमिट हुई, और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया वो तो बाद में जाना। तो ये थोड़ी जानकारी इकट्ठी तो करनी पड़ेगी, बाद पहले की जाँच में क्या हुआ। अभी हमको भी पूछा है महिला बाल विकास विभाग से, तो NCPCR ने भी इस पर जाँच की थी, तो उसका नतीजा क्या निकला या पेंडिंग है ये बता के फिर आगे देखते हैं क्या करना है। पर एक्शन तो लेंगे इसमें, क्योंकि इस तरीके से आप बच्चों को एक जिले से दूसरे जिले में विदाउट DCPU के संपर्क में आया, क्योंकि भेज ही नहीं सकते। जैसा कि ओमकार सिंह जी ने बताया कि वो बच्चे ऑर्फन थे, तो पहला तो ये है कि जब से JJ एक्ट आया है तो ऑर्फन बच्चों को सबसे पहला काम होता है लीगल फ्री करना जी। और अगर इनको लीगल फ्री नहीं किया गया तो क्यों लीगल फ्री नहीं किया गया? 2018 का लेटर है बाल कल्याण समिति का कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा गया, पर बच्चे तो उससे पहले यहाँ आ गए थे जी। तो क्या उससे पहले इजाज़त ली गई थी क्या? और उससे पहले भी ये संस्था में बच्चे रह कैसे सकते हैं? अगर आप JJ एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे तो आप ऑर्फन बच्चों को रख ही नहीं सकते। और अगर यहाँ पर रखा था तो किसकी परमिशन से रखा, कौन उनका गार्जियन था, और गार्जियन था तो क्या उसकी नॉलेज में था क्या? तो ये तो पूरी जाँच का ही विषय है। और फिर ये वापस से बच्ची अगर वापस जाती है तो उनके जो नाम बदल दिए गए हैं, जिससे कि हम लोगों को उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो अभी हमको यहाँ पे आके पता पड़ा कि अभी यहाँ पे रिया गौड़ के नाम से ही एडमिट हुई, और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया वो तो बाद में जाना। तो ये थोड़ी जानकारी इकट्ठी तो करनी पड़ेगी, बाद पहले की जाँच में क्या हुआ। अभी हमको भी पूछा है महिला बाल विकास विभाग से, तो NCPCR ने भी इस पर जाँच की थी, तो उसका नतीजा क्या निकला या पेंडिंग है ये बता के फिर आगे देखते हैं क्या करना है। पर एक्शन तो लेंगे इसमें, क्योंकि इस तरीके से आप बच्चों को एक जिले से दूसरे जिले में विदाउट DCPU के संपर्क में आया, क्योंकि भेज ही नहीं सकते कभी। यहाँ पे कितने बच्चों का मामला है मैम? अभी तो हमारे पास 4 बच्चों का। उनके नाम क्या क्या है? नाम तो नहीं बता सकते। जी जी जी, नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप भी ना निकाल। हाँ नहीं 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 नहीं, 4 बच्ची है। 2015 में एक जाँच हुई थी, SDM ने जाँच की थी, शिकायत पे कलेक्टर को शिकायत पे, और शिकायत के आधार पर SDM ने जांच की थी, जिसमें ये बताया था कि कुछ बच्चियाँ बाकी जो वहाँ सागर में उनका सेंटर होम है वो अनरजिस्टर्ड था। तो बताया कि कुछ बच्चियाँ वहाँ के जो संचालक थे उनके बयान पे कुछ बच्चियाँ होशंगाबाद में हैं, कुछ सिवनी में हैं, और 4 बच्चियों का उन्होंने बताया था गंज वासुदा में। तो हमने कहा ये संभव हो सकता है क्या? लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ये बनी कि उस जांच को किनारे रख दिया, बिल्कुल प्रमाणित जांच थी, उसमें कम से कम 70 बच्चे ऐसे थे कि जिनका धर्मांतरण हुआ था, 70 बच्चों का। इसी में आपने देखा लोधी नाम बच्ची, उसको रोजा मिस्त्री कर दिया आपने, रिया गौड़ को आपने वियन्ना गौड़ कर दिया, ऐसे करके 70 बच्चे ऐसे थे जिनका धर्मांतरण किया गया था, और इसकी खोजबीन हम बहुत समय से कर रहे थे, क्योंकि आज मेरे पास आया, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे जानकारी थी पूरी। इसमें अभी क्या पाया है आपने? इसमें और भी अभी आयोग की तरफ से जांच करने की जरूरत है, हम यहाँ नोटिस करेंगे, नोटिस के द्वारा बाकी दस्तावेज को जवाब नहीं। इस संस्था में कुछ गड़बड़ पाया है क्या? ये नहीं, बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो मानव तस्करी है। पूरा जो एक्ट है जुबेनाइल एक्ट है, बच्चों का मानव तस्करी ना हो, उसमें एक बच्चा दूसरे स्थान पे गया है बिना अनुमति के या बिना कोई दस्तावेज के, क्या स्कूल में रखे गए थे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी बता नहीं है, अभी दस्तावेज हमारे सामने आए नहीं है। एक मिनट, और ऐसे इसके मैं दोबारा से आपसे करूंगा। अस्पताल रोड पर पेट्रोल पंप पर स्थित शराब दुकान पर बीती रात चोरी हो गई है। चोरों ने लगभग 22,000 रुपये और कुछ शराब चुराने की जानकारी लगी है। सूचना के बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आपके साथ तो ओनली फॉर गल्ला वगैरह लेके गए हो, मतलब
हाँ जहाँ तक मेरा अनुमान है सर कि दारू तो आप मिलाएंगे हिसाब तो मालूम पड़ेगा। खाली ये क्या गंदे दिखे नहीं मिलना ये खाली कैसे अभी ये देखा हो आपको परिचय? मैं दुकान का सेल्समैन हूँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पाल। पाल साहब ये जो दुकान कहाँ पर संचालित है? ये अपने स्टेशन रोड पे। अच्छा क्या हुआ है? के सामने क्या हुआ यहाँ पर? ये रात को चोरी हुई जी। लगभग क्या चोरी में क्या गया कुछ आईडिया लगा? बस केस गया आपको तो दुकान मिलाएंगे स्टॉक देखेंगे क्या है क्या नहीं तो मालूम पड़ेगा। लगभग कितने की चोरी की? कम से कम 22 के आसपास इधर गया है और इनका कितना था देसी का ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा तो कब कितनी कितने बजे के बाद घटना हुई? कितने गए 11:30 बजे दुकान बंद करके जी जी। जब सुबह आए ताला खोला हमने ये दराज देखी सब खुली हुई दिखी हमको तो उनको डाउट हुआ कि मना यार दुकान में गड़बड़ हुई क्योंकि फाइल नहीं उधर करी उनने कुछ शराब की बोतलें भी ले गए हैं कुछ आइडिया नहीं। अभी देखो दुकान मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है कि भाई आप लोग आए चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कौन पहुँचा है आपके यहाँ जाँच करने के लिए कौन पहुँचा है यहाँ पर? आप लोग आए हैं आप पुलिस स्टाफ। संत श्रोमणी नामदेव महाराज की जयंती पर बंटी नगर स्थित धर्मशाला में नामदेव जयंती मनाई गई। पूजन आरती के बाद नामदेव जयंती की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। लोहा बाजार मंदिर में नामदेव समाज के लोगों द्वारा संत महात्मा शिरोमणि नामदेव जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और सभी समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के अध्यक्ष आदरणीय अरुण नामदेव जी से निवेदन है। क्या नाम है आपका? आज जो जयंती है क्या है? आज हम संत नामदेव जी महाराज की 752वीं जयंती मनाने के लिए नामदेव विकास परिषद के अंतर्गत नामदेव समाज विदिशा के सभी सदस्य गण उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही देवउठनी ग्यारस के नाम से मनाई जाने वाली श्रीहरि प्रबोधनी एकादशी पर गन्ने व अन्य पूजन सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। इस बार गन्ने के भाव में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। मेरा नाम है राहुल सैन, मैं भी यहीं का निवासी हूँ प्रॉपर जी। इस बार हम गन्ने देख रहे हैं आपको हर जगह अलग अलग रेट दिखाई दे रहा है और डिफरेंट भी काफ़ी, जो काफ़ी कमजोर गन्ने हैं उनको भी हाई रेट पर बता रहे हैं
और जो महंगे गहने वो तो अलग ही दिख रहा है मोटे गहने, और उनका डिफरेंस करने के साथ साथ में रेट भी अंतर करना पड़ रहा, कोई ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको महंगा लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बस अगर आपको भूड़ झाड़ के अगर कहीं मिल। नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सैन है, यही का निवासी हूँ। आपको इस बार गन्नों की कम आवक है जी, पिछले साल की अपेक्षा क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पिछले साल की अपेक्षा इस बार आवक ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पिछली साल की अपेक्षा इस बार के गन्ने में ना रेट पर बहुत उछाल है। पिछली बार 20 रुपये में 4 गन्ने आ रहे थे, 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, अब 30 रुपये का एक गन्ना दे रहे हैं, 20 रुपये का एक। अच्छा, एक गन्ने में मात्रा बढ़ा रहे हैं, पैसे के मामले काफ़ी महंगे मिल रहे हैं इस बार। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से गैस से सावधानियों और सुरक्षा आदि की विस्तार से जानकारी दी गई है। कंपनी के अधिकारी और स्थानीय डीलर मौजूद थे। Please keep on clapping, students. Thank you. हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसके बारे में बताएं। आज के दिन हम लोग MGM साकेत MGM स्कूल में आरोग्य उपहार करके एक प्रोग्राम किया, और सतर्कता के ऊपर हम लोग ने प्रोग्राम किया। आरोग्य उपहार में हम लोग एक जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि माताओं का सेहत अगर वो स्वच्छ ईंधन यूज नहीं करते हैं तो वो उससे उनको हानि होती है, और साथ ही साथ उनको बहुत कठिनाई होती है। उससे उन्हें दूर करने के लिए, उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को हर जगह पे पूरे जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर सभी जिलों में इसको शुरू किया है, और उसमें से एक ये साथ ही साथ ये अभी हमारा जो लक्ष्य है करप्शन फ्री भारत को देखने के लिए, इसके ऊपर भी हमने विद्यार्थी से अपील किया है कि वो इस आचरण को अपनाएं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। इस प्रोग्राम के साथ विजिलेंस अवेयरनेस का भी प्रोग्राम आयोजित किया गया था। हाँ जी, मैं वही बताया कि भ्रष्टाचार को दूर करना है बच्चों को, उसके बारे में भी इस प्रोग्राम के थ्रू जो है बताया गया, और उन्हें अपील किया गया कि अपने आचरण को इस अनुसार रखें और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करें। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं और देवउठनी ग्यारस होने से सुबह बैतवा नदी पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुनर्लाभ लिया। बैतवा तट पर पूजन आराधना भी की गई।
भाई नहा लो नहा लो नहा लो भाई विदिशा की बेटी डॉक्टर प्रीति कौर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। विदिशा के नागरिकों और डॉक्टर प्रीति कौर के परिजनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।